नेताजी ने यहाँ की जनता के लिए काम किया। नेताजी वैसे ही हम चाहते हैं कि अखिलेश भी नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर काम करें, हम उन्हें छोटे नेताजी कहकर बुलाए। शिवपाल ने और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आप। चुनावी बाजियां पलटने में माहिर शिवपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, डिंपल जी का चुनाव चल रहा है, प्रचार आप कर रहे हैं और जनसभाएं भी कर रहे हैं, कितना आश्वस्त हैं डिंपल यादव की जीत को लेकर? देखिए, डिंपल यादव की बहुत बड़ी जीत होगी और सभी वर्गों का वोट्स डिंपल यादव को मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि जब जब नेताजी हो या हमारे परिवार का कोई भी विधायक बना, एमपी बना, तो उन्होंने जनता के लिए काम किया है और सभी वर्गों के काम किया है, तो इसलिए पूरी की पूरी जनता डिंपल यादव को वोट कर रही है। कल की सभा आपकी बड़ी चर्चित रही, आपने मंच से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को ललकारा और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव उनको आपने छोटा नेताजी का जो है वो खिताब भी दे डाला कल, तो ये मन में कैसे विचार आया आपके? देखिए, नेताजी 1967 में पहला चुनाव लड़े, फिर 1977 में 19 महीना की जेल काट करके जब चुनाव हुआ 1977 में, तो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने, तो जब मंत्री बने फिर लगातार मंत्री बने, सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर डिफेंस मिनिस्टर बने, तो ये नेताजी ने फिर सभी दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े से लेकर के सभी वर्गों के लिए काम किया, तो फिर यहाँ की जनता खासकर इटावा के आसपास मैनपुरी कन्नौज से लेकर के यहाँ की जनता नेताजी को बड़े मंत्री के नाम से पुकारती थी। और फिर जब हम मंत्री बने तो हमको छोटे मंत्री कहने लगे जनता, तो नेताजी को बड़े मंत्री, हमको छोटे मंत्री, तो नेताजी ने जब इतना काम किया है तो फिर तो ये मेरे दिमाग में था, यहाँ की जनता बोलती थी, तो मेरे जब दिमाग में आया कि अब देखें नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो यहाँ जनता की सेवा करने के लिए ज़रूरत है, तो नेताजी के विचारों पर और नेताजी के इस पर अखिलेश चलें और यहाँ की जनता का दिल जीतें, नेताजी की तरह दिल जीतें, नेताजी की तरह, तो मैंने इसलिए कहा कि अब ज़रूरत है, अखिलेश को ज़रूरत है कि नेताजी की तरह काम करें और जैसे नेताजी की तरह उनको छोटे नेताजी की तरह यहाँ की जनता पुकारे। तो ये थे शिवपाल यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको सभी समाज का वोट मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने किसी भी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, इसलिए शाक्य समाज भी हमारे साथ पूरी तरह से रहेगा और वोट करेगा। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी। जौनपुर में अनियंत्रित बस